Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing current electricity and this is video lecture number 9. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching part 9. And we are going to discuss today about the application of Kirchhoff's law. And we will discuss today one of the very important application that is going to be asked in competitive examination as well as in academic examination called Wheatstone bridge. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की और इस एप्लीकेशन के बड़े सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और यूटिलिटी भी होती है. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीएससी के लिए भी और कंपटीशन के लिए दोनों के लिए जरूरी है. तो इस एप्लीकेशन पे आप बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है. तो आइए करते हैं डिस्कस आज इसको. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है. तो इसमें हमें देखना है कि ये जैसे नाम है, जरा ध्यान से देखें, ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है. ब्रिज वो होता है जो दो चीजों को जोड़ता है, दो सड़कों को जोड़ता हो, दो नदी के किनारों को जोड़ता हो, तो ये जोड़ने वाला एक को कहते हैं ब्रिज. ब्रिज कहाँ है जो दो चीजों को जोड़ता हो. अब व्हीटस्टोन तो कोई इसमें मीनिंग नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, उसका सरनेम है, और प्रिंसिपल क्या था वो हमें जानना है और ब्रिज किस तरह का है वो भी जानना है. तो उन्होंने कहा एक ऐसा ब्रिज जो कि ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मान लेते हैं और ये एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक इधर में रेजिस्टेंस है तीसरा और एक ये रेजिस्टेंस है चौथा. इन दोनों को, दोनों ही रेजिस्टेंस को एक अगर इधर से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाए, ये है यहाँ पे आई जी गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस जी है और इसको जोड़ दिया जाए गैल्वेनोमीटर को, तो इसमें भी कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा. अब ऐसा कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका नाम है P, ये है Q, ये है R, ये है S, इन दोनों ही हिस्सों को और इन दोनों हिस्सों को ये गैल्वेनोमीटर जोड़ता है. तो इसमें अगर गैल्वेनोमीटर जोड़ता है और इस तरह से जोड़ता है कि ये P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S हो, दोनों की रेशियो सेम हो, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. डिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस है. मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या है, सेम है. ये कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये दो टर्मिनल के बीच में जुड़ा हुआ है. ये जो दोनों हैं ये दो टर्मिनल के बीच में जुड़ा हुआ है और इसमें एक सेल लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक की लगा हुआ है, मान लेते हैं पहला की Q1, एक की और इसमें चाहे तो लगा सकते हैं दूसरा की यहाँ पे, ताकि हम इसमें भी Q2 यहाँ पे एक की लगा दिया, ये है ठीक है. तो ये भी एक Q2 की है. अब इसमें जब यहां से करंट फ्लो होगा तो इधर की ओर करंट जाएगा, करंट यहाँ पे पॉइंट ए पे और ये पॉइंट बी है, यहां पर करंट जब पहुंचेगा तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई. आई में से कुछ करंट जो है यहाँ पे जंक्शन पर आई जब करंट पहुंचेगा तो दो बातें होगी, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा है ना. तो दो भागों में करंट का डिवीजन होगा. क्या दोनों तरफ सेम करंट जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. तो मान लेते हैं कि इधर जो करंट गया ये आई करंट इसमें से निकल के आया था ठीक है ना, और इधर जो करंट गया वो है I1, तो बचा हुआ करंट I-I1 इस सर्किट से होके जाएगा. अब यहां पर आ गया तो इधर से भी कुछ करंट इधर जो चला गया उस करंट को मान लेते हैं IG गैल्वेनोमीटर से, तो बचा हुआ करंट यहाँ I1-IG इधर चला जाएगा है ना. यहां से I1 करंट अगर की क्लोज करेंगे तो IG करंट आएगा और यहां से I-I1 आएगा, तो दो इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है. आउटगोइंग टोटल इनकमिंग के बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगा I-I1 प्लस IG के बराबर होगा.
आई माइनस आई वन प्लस आई जी के बराबर होगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी के बराबर होगा जो एस से होकर के जाएगा। अब यहां पे इस जंक्शन पे आई माइनस आई वन प्लस आई जी आ रहा है, आई जी पॉजिटिव आ रहा है और आई जी यहाँ निगेटिव है, आई वन यहाँ निगेटिव है, आई वन यहाँ पॉजिटिव है, इनका सम करने पर फिर करंट आई यहाँ से रिलीज होके आ जाएगा। तो अब ये कहा जाता है कि ये जब बैलेंस होगा पी बाई क्यू आर बाई एस होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या हम ये कहें कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर होगा। निश्चित रूप से दोनों ही बातें एक ही जैसी है, एक दूसरे के कन्वर्स है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, ये ब्रिज जो है ये दो टर्मिनल के बीच में है ना, ये ब्रिज जो है ये दो टर्मिनल के बीच में है, एक टर्मिनल ये है एक टर्मिनल ये है, ये इसका ब्रिज है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ब्रिज के दोनों ओर जो दो रेजिस्टेंस है उनका अनुपात, उनका रेशियो, और इधर ब्रिज के दोनों किनारे जो दो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पी बाई क्यू अगर आर बाई एस के बराबर हो तो देन द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मीटर इज जीरो, दैट इज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर वेनोमीटर। तो इस रूल को समझने के लिए पहले इसकी थ्योरी क्या कहें, थ्योरी में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन फोर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज, टू फॉर्म अ ब्रिज एज शोन इन द फिगर, एज शोन अबव इन द फिगर फिगर सच दैट व्हेन बोथ की आर ऑन फर्स्ट के वन एंड देन के टू एंड देन के टू एंड सच दैट व्हेन कीज आर ऑन एंड गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मीन्स ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये इस प्रिंसिपल का बेसिक मतलब है। तो कैसे ऐसा होगा हम देखते हैं इसको, इसको फिर से बनाते हैं इस डायग्राम को, और यहां से देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने कहा था, और यहाँ प्रूफ करते हैं। ठीक है, और ये है गैल्वेनोमीटर जी, है ना जी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये बैटरी था हमारा, है ना, और ये एक की यहाँ पे और एक की यहाँ पे भी, यहाँ पे एक की लगा देते हैं। ठीक है, के टू, जब इधर से ये प्लस ये माइनस, करंट फ्लो होगा
तो करंट यहां से आई गया, यहां पे आकर के इधर आई बन गया, जैसा पहले बताया था इधर आई माइनस आई वन आ गया, इधर करंट चला गया आई जी, और इधर करंट आ गया आई माइनस आई वन प्लस आई जी जो किया था, और इधर करंट आ गया आई वन माइनस आई जी। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ये पूरा हो गया। एक ब्रिज जो है वो इसके बीच में एक की है ए और सी के बीच में, और दूसरा की है बी और डी के बीच में, ठीक है। तो एक की यहाँ पे K1 जो है वो ए और सी के बीच में, जब ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और जाएगा इस टर्मिनल तक, लेकिन तब तक ये फ्लो नहीं होगा जब तक K2 ऑन न किया जाए, ठीक है ना। करंट फ्लो होगा इस रूट में, इस ब्रिज में करंट नहीं आएगा, यहां से करंट होकर के जाएगा, इधर आएगा, इधर से आके इधर जाएगा, इधर आएगा, बट इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तब तक जब तक कि इस की को हम ऑन नहीं करेंगे। अब जब इस की को ऑन किया गया और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो ऐसा कैसे होगा? तो अभी हमने किरचॉफ्स लॉ सीखा था, उस रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। एक लूप लेते हैं जैसे ए बी सी डी ए, इन लूप ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए बी डी ए, ठीक है। इस लूप में कोई ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस तो है। तो अगर हम लूप का डायरेक्शन ये लें एंटी क्लॉकवाइज, तो आई वन जो होगा पॉजिटिव, आई वन पी है ना, प्लस ये करंट भी उसी डायरेक्शन में है, आई जी इंटू जी, जी क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को जी मान लेते हैं, और ये जो है इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का डायरेक्शन या क्लॉकवाइज है, तो ये होगा निगेटिव आई माइनस आई वन इंटू आर, और ये टोटल किसके बराबर होगा, जीरो। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। इसी तरह से इस लूप में भी अगर हम ऐसा करें कि लूप को ले लेते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आई जी क्या होगा, पॉजिटिव आई जी इंटू जी, पॉजिटिव लूप की डायरेक्शन में ही है, और ये एस के साथ भी क्या होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये भी सेम होगा, प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। लेकिन जब ऐसे जा रहे हैं तो ये इसकी यहाँ करंट की डायरेक्शन इधर की ओर है, लूप की डायरेक्शन अगेंस्ट है, तो ये निगेटिव होगा। इसका मतलब आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी ये है, आई माइनस आई जी इंटू क्यू इज निगेटिव एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम ये कह रहे हैं कि जब ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, व्हेन नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर, देन करंट थ्रू दिस इज जीरो। इसका मतलब पुटिंग इन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन में हम रख देते हैं आई जी जीरो, तो ये आई जी जीरो रखने से ये जीरो हो जाएगा। तो आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसमें अगर आई जी जीरो कर दें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आई माइनस आई वन इंटू एस, आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आई जी जीरो हो जाएगा, तो माइनस आई क्यू वन आई इंटू क्यू, जो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आई वन, सॉरी यहाँ पे भी ये है आई वन माइनस आई जी, तो आई वन इंटू क्यू, आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू फोर्थ, ये हो गया। अब यहाँ पे आई जी अगर जीरो हो गया है तो आई वन माइनस क्यू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये हो गया, अब दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए आई वन से आई वन कट जाएगा और यहाँ आई माइनस आई वन से आई वन माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि डिवाइड बोथ, डिवाइड थर्ड बाई फोर्थ, वी हैव
P by Q is equal to R by S, and this is the proof of Wheatstone ब्रिज। तो अब जरा देखिए, थोड़ा सा इसका, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझते नहीं हैं और इसमें ये भी कर देते हैं कि करंट का ये हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये करंट ऐसा है, एक ब्रिज, और एक ब्रिज ये ऐसे बना हुआ है, और ये जो है यहाँ पे कोई करंट है, और ये भी है इस तरह से बना हुआ, ठीक है, और ये करंट का फ्लो यहां से, ये बैटरी है, ये माइनस है, ये की है, और हम समझते हैं कि यहाँ पे ये R1 R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो क्या ये ब्रिज बैलेंस है? ये बताएं कि ए और बी, ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं? ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जंक्शन जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, ये जंक्शन उल्टी है, यहाँ होना चाहिए इसको और इसको जोड़ने वाला जंक्शन होना चाहिए, ब्रिज है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये हम सोच लें कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये गलत होगा। अगर ब्रिज ऐसा होता तो इसमें दो टर्मिनल के बीच में, तो हम कहते कि ये बैलेंस है। तो करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है ये दिमाग में रखना जरूरी है, गलतियां हो सकती है फ्यूचर में, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो कि ब्रिज को हम तभी करेंगे जब दोनों टर्मिनल, जो करंट जहां पे दोनों टर्मिनल जुड़ रही हैं उसके बीच में की लगा हो, और उसके दोनों तरफ जो है उसकी रेशियो, बाद वाले दोनों तरफ की रेशियो के बराबर हो। ऐसा न्यूमेरिकल में हम प्रूफ करके दिखाएंगे कहाँ पे ब्रिज लगेगा, कहाँ पे ब्रिज नहीं लगेगा, ठीक है ना? सो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स व्हिच विल प्रूव दैट हाउ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज विल एप्लीकेबल एंड व्हेन इट विल बी नॉट एप्लीकेबल। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन इट इज नॉट लाइक दैट, नॉट फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज, एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस। When it will be not obey this, and when means I mean to say कि when Wheatstone bridge will be applicable and when it is not considered like that. So एक सवाल लेते हैं, ये है hexagon, hexagon form है, और hexagon form में सबकी resistance बराबर है, ये ऐसा एक ऐसा लिया, ये resistance, ये रेजिस्टेंस, फिर ये एक रेजिस्टेंस, दो, और ये इसी तरह से दो चार, और ये पांच, और ये छह, आर 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 आर, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये आर, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये आर, ये रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है आर, और यहां से एक रेजिस्टेंस आर, और यहां से एक रेजिस्टेंस आर, और आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये अगर आपको निकालना है तो ए और बी के, ये जो दो टर्मिनल हैं इनके बीच का, ये ए है, ये बी है, अब आपको निकालना है इन दो टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक तरीका होता है सिमेट्री का, सिमेट्री में दो बराबर भागों में अगर इसको काट दिया जाए, जरा ध्यान से देखें, ये हम काट दें इसको, तो ये रेजिस्टेंस दो भागों में कट जाएगा, इस सेंटर को हम ओ मान लें, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा कि ये सेंटर है ए, और यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे, और यहां से एक रेजिस्टेंस ये हाफ, यहां से एक रेजिस्टेंस ये सेंटर तक, एक रेजिस्टेंस ये सेंटर तक, है ना, ओ तक, और एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक, एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक, और एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक, ये जो दोनों है ये ओ तक जुड़ेगा और ये भी ओ तक जुड़ेगा, तो ये है आर बाई टू, आधा आधा है, आर बाई टू, ये है आर, ये है आर, ये भी है आर, ये भी है आर, ये भी है आर। अब इस पॉइंट को हमने मान लिया सेंटर को ओ, जरा ध्यान से देखें कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहां से और यहां ओ तक जुड़ा हुआ है,
ये आर बाई टू ओ तक जुड़ा हुआ है और यह भी आर बाई टू ओ तक जुड़ा हुआ। तो आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल एक यहाँ ओ पे है और दूसरा यहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल यहीं पे है। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस आप इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आर बाई टू है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो है वो आर बाई टू है। ये आर बाई टू है, ये आर है, ये आर बाई टू है। तो इन दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पर ओ पर है और दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट पर है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका कम्बिनेशन वन बाई, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वन बाई आर डैश इज इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर बाई टू। तो ये हो गया वन बाई आर प्लस टू बाई आर, दैट इज थ्री बाई आर। वन बाई आर डैश इज इक्वल टू थ्री बाई आर, इसलिए आर डैश हो गया आर बाई थ्री। तो ये जो बन गया, ये दोनों के बदले, ये जो दो हैं इसके बदले हम आर बाई थ्री लिख सकते हैं, इसके बदले भी आर बाई थ्री लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि यहां से एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस है इधर आर, एक रेजिस्टेंस है इधर आर, और इन दोनों के बदले यहाँ पे है ये आर बाई थ्री और यहाँ पे भी है इन दोनों के बदले आर बाई थ्री। ये है आर, ये भी है आर, ये भी है आर। अब देखिए यहाँ पे ये है ओ, इस आर और आर बाई थ्री दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों को ये जो है वो सीरीज में है, इसी तरह से ये दोनों भी सीरीज में है, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है। तो सीरीज में है तो इसका कम्बिनेशन क्या होगा, सम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये बदल के आ जाएगा कुछ इस तरह का कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है और यहां से ये हो गया कुछ रेजिस्टेंस ऐसा यहां तक, यहां से कुछ रेजिस्टेंस हो गया ऐसा यहां तक और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये है आर, ये है फोर आर बाई थ्री, आर प्लस आर बाई थ्री इज फोर आर बाई थ्री, ये भी हो गया फोर आर बाई थ्री और ये आर, ये है ओ। अब ये तीनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस वन बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वन बाई आर, ये मैं इसको लिख दू नेट रेजिस्टेंस आर डबल डैश लिख देता हूँ, ठीक है। आर डबल डैश इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी वन बाई आर प्लस वन अपॉन फोर आर बाई थ्री, यानी थ्री अपॉन फोर आर प्लस वन अपॉन फोर आर बाई थ्री, दैट इज थ्री अपॉन फोर आर। एलसीएम हो जाएगा ये पूरा का पूरा, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा फोर आर, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये भी फोर आर हो जाएगा, फोर थ्री सेवन थ्री टेन, थ्री थ्री सिक्स फोर टेन, टेन अपॉन फोर आर दैट इज फाइव अपॉन टू आर, ये हो गया। यानी आर डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव आर। सो डबल डैश इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव आर, लेकिन ये तो आधी बात थी, ये तो आधे का है, इसलिए पूरा का हो गया नेट रेजिस्टेंस बिटवीन, सो देयर फोर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ट्वाइस ऑफ आर डबल डैश, दैट इज टू इंटू टू बाई फाइव आर, दैट इज फोर बाई फाइव आर, दैट इज 0.8 आर, ये कह सकते हैं। तो ये है इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप यहां पे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर चूंकि इन दोनों का रेशियो, ध्यान से देखें, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो क्या हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के इस करंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए ये कनेक्शन कहां से कहां तक होना चाहिए, इसके लिए कनेक्शन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, ये कनेक्शन होनी चाहिए थी। इस रेजिस्टेंस को अगर ये ऐसा है, ये कनेक्शन होता तो हम इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होता, तो इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते और हम कहते कि क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जगह दोनों बायलेंस है, किनारे के दो दोनों आर्म है वो बायलेंस है दूसरे दो आर्म के रिस्पेक्ट में, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा और चूंकि करंट फ्लो नहीं होता तो हम उस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये जो है
इन दोनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसमें भी करंट फ्लो होगा, और चूंकि इसमें करंट फ्लो होगा तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यही बात मैं कह रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करते वक्त आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ऑफ सिमेट्री पे, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, मान लेते हैं यहां से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने वाला है के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस है, इनको बीच में जोड़ने वाला रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम का ये है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पे पॉइंट है बी। अब आपको ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये 50 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है ना, 10 ओम का है, और ये भी 10 ओम का है, और ये जो है 50 ओम का है, और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये भी सिमेट्री है, अगर मैं यहां से कट कर दूं, यहां से ये दो बराबर भागों में, तो आधे इधर और आधे इधर एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ए पॉइंट है, यहां से हम एक रेजिस्टेंस ये लिए 10 ओम का, यहाँ पे भी एक लिए 10 ओम का, ये बीच में हो गया 50 ओम का, और यहाँ से ये जो है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी दोनों की यूनिट क्या हो गई, ये हो गई 5 ओम, और ये है हमारा ओ मान लेते हैं पॉइंट, ये 5 ओम क्योंकि आधे आधे हमने कर दिए, ये है 50 ओम, ये है 10 ओम, और ये भी है 10 ओम। अब यहाँ पे तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि ए ये पॉइंट है, यहां से ए पॉइंट से ये निकल के ये एक रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, और 10 ओम से जहां पे ये जा रहा है, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 50 ओम का, ये है 50 ओम का, और 50 ओम जहां से ज्वाइंट कर रहा है ओ को, वो इधर की तरफ है एक 5 ओम का, और इधर की तरफ भी है एक 5 ओम का, ये दोनों ओ को जोड़ रहे हैं, ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, यहाँ पर 10/5, ये अगर P मान लूं, ध्यान से देखिए, ये P, ये Q, ये R, ये S, तो P by Q क्या हो जाएगा यहाँ पर, P by Q हो गया 10/5, एंड R by S भी हो गया क्या 10/5, तो यहाँ P by Q is equal to R by S है, P by Q 10/5 that is 1, एंड आर बाई एस भी करते हैं तो क्या होता है 10/5 दैट इज 2/1, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, एंड देयर फोर ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड है तो करंट इससे होकर के फ्लो नहीं करेगा, तब ये जब इससे करंट होकर के फ्लो करेगा ही नहीं तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तब ये हो गया कि ए पॉइंट से लेकर के हम ये कहें कि यहां से एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहां से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, यहां से एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहां से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और ये ओ के बीच में जुड़ा हुआ है 10/5 10/5, है ना, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो कितना हो जाएगा 15, ये भी हो गया 15, इसका मतलब हो गया कि अगला हम ये कहें कि ए से एक रेजिस्टेंस है, ए से एक रेजिस्टेंस है इस पॉइंट से जो 15 ओम का है, 15 ओम का है, और इधर भी है 15 ओम का, और ये ओ है, ये 15 ओम का है, ये भी 15 ओम का है, और ये ओ है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R' इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 दैट इज 2/15, इसलिए देयरफॉर R' इज इक्वल टू 15/2 दैट इज 7.5 ओम, बट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है के बीच के, ए और ओ के बीच का है, एंड देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टोटल रेजिस्टेंस between A and B, between A and B
is twice of R dash, that is twice of 7.5 ohm, that is 15 ohm. So ये हो गया आंसर. तो अभी देखिए कि एक ही दो तरह के सवाल हमने किए आपको समझाने के लिए कि कहां पर लगेगा कहां पर नहीं लगेगा. तो लगने के लिए जरूरी है कि जो दो टर्मिनल है उन टर्मिनल के बीच में ये जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये इसके दूसरे छोर से जुड़ा हुआ होना चाहिए तब व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. होपफुली आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कहां पर करना है और कैसे करना है. फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन यहीं तक, अब अगली एपिसोड में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार. खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए. नहीं आया समझ में दोबारा देखिए, फिर भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए. टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस.